हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं आपकी स्वाति। एंड आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देने वाला वीडियो है। इससे पहले भी मैं ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना चुकी हूं। सो ऑन पब्लिक डिमांड ये जो वीडियो है मैं बना रही हूं। सो यहां पे मैं बात करने वाली हूं ब्रेस्ट साइज की, या कह सकते हो बूब साइज की। व्हाट डू यू थिंक, डज द बूब साइज मैटर्स? क्या कहते हो आप उसके बारे में? तो आप कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। लेकिन मेरा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है वो भी मैं आप लोगों से शेयर जरूर करना चाहूंगी। ये किसी की मर्जी नहीं है कि आपको जो है ब्रेस्ट एकदम बड़ी चाहिए या छोटी चाहिए, एकदम प्रॉपर एकदम डॉल की तरह चाहिए। जैसे कि बोलते हैं ना कि कुछ चीजों का लोगों ने जो है एक फिक्स सेंटेंस या स्टेटमेंट बना के रखा है कि ये फिगर जो है एक लेडी का, एक औरत का, एक लड़की का होना ही चाहिए। जैसे जो अपनी डॉल्स होती है एकदम, जिनका परफेक्ट जो है बूब साइज, परफेक्ट हिप साइज, परफेक्ट वेस्ट साइज एंड थाइस, वो सब जो है क्या बोलते हैं, इट इज सिनेमैटिक थॉट्स। वो जो सुडोल लुक होता है वो आपको पॉर्न स्टार में ही देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज दे एक्चुअली स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू गेट दैट। बट एवरी डे जैसे कि आप मेरे वीडियोज दिख रहे हैं, मैं आपके जैसे हो, आप मेरे जैसे हो, वी डोंट प्रेफर ऑल दैट, बट वी वॉन्ट हेल्दी बॉडी स्ट्रक्चर जो आप दिखने में ओवरऑल एक पर्सनैलिटी आपकी अच्छी लगे। बिकॉज हर किसी का अपना रूप, रंग, शेप, हर किसी का अपना अपना है एंड एवरी वन आर ब्यूटिफुल। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि आप अपनी ब्रेस्ट को फॉर्म, इलास्टिक एंड हाइड्रेटिंग कैसे बना सकते हैं। अगर आपके बूब जो है सैग हो गए हैं, या इफ यू हैव यू नो वेरी ओवर साइज बूब्स, और बहुत ज्यादा मतलब उसके ऊपर स्किन जो है एकदम फ्रिल्स, मतलब जैसे एजिंग आ जाती है वैसे फ्रिल्स पड़ गया है, वैसा कुछ हो गया है, वो कैसे ठीक करना है, दैट आई विल शेयर इन दिस वीडियो। सो किसी की भी पर्सनालिटी के बारे में किसी को भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी मर्जी से कोई पैदा होके नहीं आता है। आप जैसे भी हो एज अ पर्सन, वो आपको जो है विरासत में मिलता है कि आपके मम्मी डैडी कैसे दिखते हैं, आप उनके जैसे दिखते हो। इसलिए जब आप पैदा होते हो लोग बोलते हैं कि यू मैच विथ योर मॉम और डैड, राइट? और आपके मम्मी डैडी भी उनके दादा दादी से, किसी ना किसी तो दादा दादी जो नाना नानी इन सब से मैच करते हैं ना, तो यू गेट दैट वे। सो ये जो बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है, लेट इट बी योर बूब साइज और योर फिगर, एवरीथिंग बिलोंग्स इन दैट कैटेगरी। यहाँ पे क्योंकि मैं ब्रेस्ट की बात कर रही हूँ आज पर्टिकुलरली इस वीडियो में, तो आपकी ब्रेस्ट जो है सैगी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ओवरऑल पर्सनैलिटी में बहुत डिफरेंस आता है। बिकॉज यू ऑल्सो नो, अगर सैगी हो रही है, आप जब पहनते हैं क्लोथ, अगर सैगी हो जाती है तो एक बूब जो है बड़ा हो जाता है, एक भी छोटा हो जाता है, सामने वाले को भी देखने में पता लग जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लैक हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी ब्रेस्ट को कैसे उसमें इलास्टिसिटी फिर से ला सकते हैं, उसको फॉर्म कैसे बना सकते हैं, और आपकी जो स्किन है उसको हाइड्रेटिंग कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है या आपका ब्रेस्ट साइज है, आपको वो भी विरासत में मिलता है, आपके मदर से या उनके मदर के मदर से जैसा स्ट्रक्चर रहा होगा वैसे आपको आता है। तो अगर आपके बूब्स बहुत ज्यादा बड़े भी हो गए हैं, या बहुत ज्यादा छोटे भी है, या बहुत ज्यादा सैगिंग की प्रॉब्लम है, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, जो आप खुद से भी सही कर सकते हैं। उसमें एक्सपेंसिव तरीके भी बहुत है एंड DIY के तरीके भी बहुत है एंड मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो जो एक्सपेंसिव तरीका है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो है सर्जरी के लिए जाते हैं, एंड सर्जरी इतनी ज्यादा महंगी होती है कि वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जनरली उसमें क्या होता है, आपकी अगर आपके ब्रेस्ट छोटे हैं या बड़े हैं या सैगिंग है जो भी है, तो सिलिकॉन डाल के उसको जो है उसकी इलास्टिसिटी दोबारा मेंटेन करने की कोशिश की जाती है उसमें, और आपके ब्रेस्ट को अपलिफ्ट किया जाता है। तो सर्जरी अगर आप YouTube पे चेक करें तो आपको मिल तो जाएगी, लेकिन बहुत खतरनाक लगती है देखने में, एक्सपेंसिव तो होती है, बट सिलिकॉन जब आपके स्किन के अंदर जा रहा है, नेचुरल नेचुरल होता है एंड आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ही होता है। सिलिकॉन के साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है। सो मेरे ख्याल से तो ये सर्जरीज के लिए नहीं जाना चाहिए, नेचुरली हम जो कर सकते हैं थोड़ा बहुत उसके लिए जाना चाहिए। तो नेचुरली जब मैं बात करती हूँ, तो सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट प्रॉपर करनी चाहिए। हम डाइट में आजकल जो हम लोग मेंटेन नहीं करते, पता सबको है इन्फॉर्मेशन कि भाई ये खाना है, ये पीना है, ये सब करना है, लेकिन करता कोई नहीं है। सो आप कुछ चाहते हैं तो उसके पीछे जो है जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी। यू नीड टू कंज्यूम मोर फ्रूट्स। आपको फ्रूट्स जितना ज्यादा
आप खाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्रूट्स में मैक्सिमम एस्ट्रोजन होता है जो आपकी ब्रेस्ट ग्रोथ के लिए या फर्मिंग के लिए, उसको हाइड्रेटिंग बनाने के लिए, इलास्टिसिटी उसकी मेंटेन करने के लिए काफी हेल्प करता है। अगली चीज एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज में मैंने इससे पहले भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस शेयर करी है जहां पे आप अपनी ब्रेस्ट को फर्म कर सकते हैं। मैं कुछ जो है क्लिपिंग्स ऐड करूंगी कि कौन सी एक्सरसाइजेस हर दिन आप करके घर में 10 मिनट, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वॉच ऑन माई वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड स्विमिंग इज द बेस्ट थिंग टू यू नो मेक योर ब्रेस्ट फर्म। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दिखा देती हूँ जो आप हर रोज अगर 5 से 10 मिनट करेंगे, 5 count, 10 count, 15 count, ग्रेजुअली आप बढ़ा सकते हैं। एक ही साथ जो है 20-20, 40-40 मत करना, क्योंकि दूसरे दिन फिर पंचर हो जाओगे। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस बोलते हैं ना, उस हिसाब से करते जाएंगे तो आपको जो है नेचुरली आपकी ये जो ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो जाएगी। एंड ब्रेस्ट से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होती है एक्चुअली वो ब्रेस्ट बड़ा करने के लिए भी काम आती है एंड ब्रेस्ट को छोटा करने के भी काम आती है, क्योंकि जिनके ऑलरेडी बड़े हैं उनके कम हो जाते हैं, ऑलरेडी कम है उनका क्या होता है, टोनअप होता है। क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं जैसे जब एक्सरसाइज करते हैं पतले होते हैं, एंड जो पतले लोग होते हैं जब वो एक्सरसाइज करते हैं वो और भी ज्यादा फिट हो जाते हैं। तो चलिए थोड़ी सी एक्सरसाइजेस भी देख लीजिए। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कोई मतलब आड़ी तेड़ी ऐसी नहीं है कि आपकी टांग ऊपर, पैर हाथ नीचे, मुंडी उल्टी फुल्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप आराम से कर सकते हो धीरे धीरे, जितनी भी मैंने एक्सरसाइजेस दिखाई है उसको धीरे धीरे 5 करो, अगली 5 जो है अगले दिन में करो, उस हिसाब से कर सकते हो। अगली चीज कि आपको प्रॉपर ब्रा पहनना बहुत जरूरी है। बहुत लोग जो है ब्रास पे इन्वेस्ट करते नहीं है, रोड साइड जो है मतलब 30-30 रुपए में, 40-40 रुपए में मिल जाती है ब्रास, चलो क्या उस पर क्या खर्च करेंगे, ब्रा में क्या खर्च करेंगे, वो भी कोई चीज है खर्च करने के लिए, उस पर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। दैट इज द मेन रीजन कि जब आप प्रॉपर ब्रा नहीं पहनते हो तो क्या होता है, साइड से बल्जिंग होती है, वो एक्स्ट्रा स्किन जो है ऑटोमेटिक उसकी अलग सैगिंग हो जाती है। आप एक दिन एक साइज की ब्रा पहनते हो, दूसरे दिन दूसरे तरह की पहन लेती हो, तो वो जो है डिसबैलेंस हो जाता है, साइड ऑफ बूब आपका सेट हुआ है तो दूसरा वाला सैग होता रहता है, तो वो सारी प्रॉब्लम होती है। तो आपको प्रॉपर ब्रा पहनना बहुत जरूरी है। आपको उस तरह से जब आप ब्रा पहनोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स तक तो आएगा ही नहीं। तो अब प्रॉब्लम जब आ चुकी है उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपके हाथों का काम है, खाली हाथों का ही जादू है। खाने में भी हर चीज को ठीक करने के लिए भगवान ने आपको जो 2 हाथ दिए ना यही काफी है। इन 2 हाथों से आपको अपनी ब्रेस्ट को मसाज देना है। जैसे कि मैंने बोला मसाज, तो खाली हाथों से नहीं, ऑयल लगा के करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऑयल दिखा देती हूँ जो कि ब्रेस्ट फर्मिंग ऑयल है, जो काफी अच्छा काम करता है एंड द ब्रांड इज वेरी वेल नोन। इससे पहले तक आपने क्लोविया तो सुना होगा, नाउ क्लोविया ने इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जिसमें से एक ये है, दिस इज क्लोविया 8-in-1 ब्रेस्ट फर्मिंग ऑयल। सो ये देखिए, ये है क्लोविया का बॉटनिका 8-in-1 ब्रेस्ट फर्मिंग ऑयल, जो कि ये दावा करता है दैट इट रिस्टोर्स इलास्टिसिटी, फर्म्स एंड हाइड्रेट ब्रेस्ट स्किन, एंड इसमें पूरी आयुर्वेदिक गुडनेस है। दिस इज 100 ml का बॉटल एंड इसके इंग्रेडिएंट्स अगर देखे जाए तो इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसे बॉक्स में आती है एंड इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो काफी आपको लाभदायक होने वाले हैं, जैसे कि आर्गन ऑयल, आलमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल, मोरिंगा ऑयल, सीशम ऑयल, फेनुग्रीक ऑयल,
फ्लैक्स सीड एंड कोकोनट ऑयल। तो जितने भी ये ऑयल्स है वो आपको जो है आपके ब्रेस्ट को फर्म करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, प्लस ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेस्ट में जब प्रॉपर होता है तो सारी चीजें जो है ट्रैक पे आने लगती है। तो ये काफी अच्छे एंड आयुर्वेदिक आइटम्स है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इट इज केमिकल फ्री, नो सल्फेट, नो पैराबेन, नो टॉक्सिन एंड नो एनिमल टेस्टिंग। सो ये कम्प्लीटली वेगन है एंड कोई भी इसको जो है बेझिझक यूज कर सकता है। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स अप्लाई एवरी डे। डायरेक्शंस देखिए, टेक सफिशियंट अमाउंट ऑफ द ऑयल एंड मसाज इट जेंटली इन अपवर्ड सर्कुलेशन मोशन टिल एब्जॉर्ब्ड। एंड अगर इसकी कॉस्ट एंड शेल्फ लाइफ देखी जाए तो यहाँ पे देखिए मेंशन हो रखी है, एंड कॉस्ट इसका 499 है, जो आपके कहीं लाखों रुपए बचा रहा है अगर आप सर्जरी के लिए जाते हैं। सो दिस इज द बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल थिंग टू गो अहेड विथ। एंड ये जो बॉटल है इसके ऊपर देखिए कितने प्यार से लिखा हुआ दैट मेड विथ लव, नेचुरल है, एसेंशियल ऑयल्स इसके अंदर है। एंड इसमें इसकी जो पैकेजिंग में है उसमें एक खास बात है, यहाँ पे पंप दिया हुआ है। एंड ये कैप देखिए मैं निकाल देती हूँ, एंड थोड़ा सा पुश करने पे इसकी क्वांटिटी जो है इस तरह से आ जाती है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि प्रॉपर आपको ब्रेस्ट को मसाज कैसे देना है। सो क्योंकि बहुत ही सस्ता है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जिसको भी ब्रेस्ट अपनी प्रॉपर शेप में लानी है उनको पक्का ट्राई करना चाहिए। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज सून एज पॉसिबल। सो जैसे कि आप इस क्लोविया के बॉटनिका ब्रेस्ट फॉर्मिंग ऑयल के स्पेसिफिकेशन सारी देख चुके हैं, अब प्रॉपरली आपको मसाज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो यू जस्ट नीड टू गिव अ पंप ऐसे ये लेना है एंड ऐसे करके जब आपको लगता है कि आपके हाथ अच्छी तरह गर्म हो गए हैं सी, तब आपको ब्रेस्ट पे मसाज देना है। कैसे देना है उसके लिए डेमो कैसे बेस्ट दिया जाए, मैंने एक तरकीब निकाली कि एक पिल्लो के ऊपर इस तरह से मैंने ब्रा लगा दी है, ताकि आपको मसाज कैसे करना है प्रॉपरली मैं आपको बता पाऊं। तो इस तरह से ये तो पैडेड ब्रा है, ऑलरेडी अपलिफ्टेड है, तो आपको ऐसे ही अपने बूब्स चाहिए तो प्रॉपर मसाज करना बहुत जरूरी है। तो इसको अच्छी तरह हीट कर लीजिए एंड जब आपको लगे गर्म हो गया तो आपको अपनी ब्रेस्ट को इस हिसाब से मसाज देना है अपवर्ड्स। अपवर्ड करने के बाद आप जो मसाज कर रहे हैं साइड से भी आपको इस तरह से मसाज करना है, आपको कभी भी उल्टा मसाज नहीं करना है, अपवर्ड्स एंड इस तरह से, मतलब आप लिफ्ट दे रहे हैं। एंड ये जो मसाज है आपको दिन में दो बार करनी है, एक बार सुबह एक बार रात को सोते टाइम, एंड आप जल्द ही अपनी ब्रेस्ट में काफी चेंज देख पाएंगे। एंड उसके बाद आपको ऐसे मसाज देना है, राउंड भी आपको देना है और उसके बाद ऐसे आगे को अच्छा मसाज देना है। ये ऑल डायरेक्शन में मसाज करने का प्लस पॉइंट ये है कि एक तो आप प्रॉपर मसाज दे रहे हैं एंड एवरी डे यू हैव अ चेक ऑन योर ब्रेस्ट, बिकॉज हर एंगल में जब आप इस तरह से मसाज देते हैं तो कोई लम्ब्स अगर होंगे तो आपको पता भी चल जाएगा, बिकॉज हम ऑल डायरेक्शन में प्रेस कर रहे हैं। अगर कोई लंप होगा तो आपके हाथ में लगेगा, देन आप जो है एक बार डॉक्टर से भी चेकअप करा सकते हैं। एंड ब्रेस्ट प्रॉपर रखना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल ब्रेस्ट कैंसर के केसेस भी बहुत आ रहे हैं, बहुत लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जब आता है, जब लंप बनता है उसमें दर्द नहीं होता है, अगर दर्द होता तो ऑटोमेटिक पता लग जाता है, तो जब दर्द नहीं होता है तो वो चीज बढ़ती चली जाती है। सो ये एग्जामिन करने, आपकी ब्रेस्ट को एवरीडे एग्जामिन करने का भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इस तरह से जो है कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको प्रॉपर डेमो दे चुका है। सो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको पक्का ध्यान में रखनी चाहिए, ये कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं है कि जो आप इग्नोर कर दें। अगर आप एक बड़ी लेडी हैं तो आप अपनी बेटी को इसके बारे में सिखा सकते हैं, अगर आप खुद एक बेटी हैं और स्कूल कॉलेज जाते हैं तो आपके जो कॉलेज के दोस्त लोग हैं आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं इन अ फ्रेंडली वे, लोगों को एक्सप्लेन करते हैं तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए कि आप भी बिल्कुल हेजिटेंट फील ना करें एंड जो सुन रहा है उसको भी एकदम कैजुअल लगे, जिस तरह से मैं अभी आपको बता रही हूँ फ्रेंडली वे में। एजुकेशन को इस तरह से ही आपको फैलाना चाहिए ताकि सामने वाले को, दूसरे बंदे को बताने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेंस नहीं रहे। ये वीडियो ओनली गर्ल्स के लिए ही नहीं, बॉयज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे अगर हस्बैंड भी ये देख रहे हैं तो दे शुड गिव दिस
इन्फॉर्मेशन टू देयर वाइफ, इस तरह से जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत जरूरी है। एंड इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो होती है उसको आप शेयर करेंगे तो ये जो अज्ञानता है लोगों में, एंड जब ऐसी चीज़ों के बारे में बात की जाती है तो इसके बारे में जो नेगेटिव माइंडेड पीपल, जो मतलब एकदम कंजर्वेटिव लोग हैं, बहुत सारे तुच्छ अपने विचार लाकर कमेंट सेक्शन में डाल देते, तो उनको परे रखिए एंड ट्राई टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज दिस विल हेल्प मैनी। जो भी देख रहे हैं उनको तो यूज हो रहा है तो उनके थ्रू बहुत लोगों को भी यूज होगा। जो जो पॉसिबल वेस हो सकते थे सारे मैंने बता दिए है, अलॉन्ग विद द सुपर्ब क्लोविया बॉटनिका का ब्रेस्ट फर्मिंग ऑयल, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक चिपकाना मत भूलिएगा, अंगूठा वहां चिपका डालिए, शेयर एंड घंटी बजा के सब्सक्राइब। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।